अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस मामले से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के आदेश को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने मार्च में संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या NCLT, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से 4 सप्ताह के लिए मामले से संबंधित कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा है। 18 मार्च को FRL को रिलायंस के साथ अपने सौदे को आगे बढ़ाने से रोकने के अलावा न्यायमूर्ति मिधा ने फ्यूचर ग्रुप और उससे जुड़े अन्य लोगों पर 20 लाख रुपए की लागत लगाई थी और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। 3 सितंबर को ही फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश के खिलाफ अपनी नई अपील पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की। 17 अगस्त 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के मामले में अगर 4 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता है तो वो 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को आगे बढ़ने से रोकने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को लागू करेगा। 3 सदस्य पीठ ने FRL के वकील से कहा कि वो फाइल देने के बाद तारीख देंगे। जस्टिस रोहिंगन फली नरीमन और BR गवई की बेंच ने ये भी माना कि सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का आदेश जो फ्यूचर रिटेल को मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के साथ विलय के सौदे को आगे बढ़ाने से रोकता है वो भारत में मध्यस्थता की धारा 17(2) के तहत लागू होता है। कोर्ट ने ये भी माना कि एकल न्यायाधीश का आदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37(2) के तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील करने के योग्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश को बहाल करना पड़ा जिससे आपातकालीन पुरस्कार को लागू करने के पक्ष में फैसला सुनाया था। फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के CEO किशोर बियानी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति GR मिधा की एकल पीठ ने 18 मार्च 2021 को किशोर बियानी सहित फ्यूचर कंपनी की समूह और उनके प्रमोटर की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था। उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था जिसमें उल्लंघन के लिए उनकी संपत्ति और संपत्ति का विवरण दिया गया था। साथ ही सिंगल बेंच ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।